ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है मेडिकल प्रोसीजर पे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे रियली में आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो कोई इंस्टीट्यूशन तो उससे पहले जो भी आपकी मेडिकल जो भी प्रोसीजर होता है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं और इससे आप पहले थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगे जब आप जा रहे होगे मतलब मेडिकल्स के लिए, तो पहले से आपको पता होंगी चीजें कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, न्यू सीरीज कॉल्ड हैशटैग लर्न विद एजे एंड और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा डिटेल टू डिटेल मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, साथ में कुछ प्रिकॉशन बताऊंगा अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी, साथ में आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, ज्यादा अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन बेसिक चीज आपको बता दूंगा उसमें होता क्या है। ठीक है, और इससे क्या होगा ना जब आप मेडिकल देने जाओगे तो आपको चीजें पहले से पता रहेंगी और आप नर्वस वर्वस कोई फील नहीं करोगे, आप जाओगे सिंपल सा टेस्ट कराया, थोड़ा प्रिकॉशन रखोगे जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं और उसके बाद आप आराम से अपना मेडिकल सुबह कराया और शाम को आपकी रिपोर्ट आ गई तो इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर होने वाली है तो क्या करो आराम से वीडियो अपने मोबाइल को पकड़ो, आराम से बैठ जाओ कहीं पे और देखो वीडियो को पूरे अंत तक क्योंकि थोड़ा सा मतलब लंबी हो सकती है तो अंत तक जरूर देखना। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की स्पॉन्सरशिप टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू एंड लास्ट में जो ऐसे होता है वो सारा क्लियर कर देते हो तो इंस्टीट्यूट आपको एक टाइम देता है, उस टाइम के अंदर आपको अपने मेडिकल कराना होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो करते क्या है आपको अगर आपकी सिटी मेन है, ठीक है मेन सिटी के आप हो जैसे कि देहरादून से मैं हूं, ठीक है तो आसपास कोई डीजी सिबिंगर मेडिकल क्लिनिक होगा या डॉक्टर होंगे तो उनको आपकी डिटेल्स भेज दी जाएगी और आपको उनकी डिटेल्स भेज दी जाएगी मेल करके। ठीक है, और बता दिया जाएगा कि आपको यहां से इस क्लिनिक से आपको मेडिकल अपना कराना है। ठीक है, और आपको क्या करना है कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं, वैसे सारे इंस्ट्रक्शन वो मेल में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको सारा बता दूंगा। उसके बाद आपको करना है क्या उस डेट से पहले आपको क्या करना होता है मेडिकल कराना होता है। ठीक है, और मेडिकल की रिपोर्ट उन्हें भेजनी होती है मेल से, फिर लास्ट में हार्ड कॉपी भेजनी होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, जैसे आप अपॉइंटमेंट लेते हो डॉक्टर से तो आपको बता देगा किस दिन वो फ्री है, किस दिन आप आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, ऐसे मत करना कि खुद ही चले जाओ, पहले अपॉइंटमेंट लेना कॉल करके क्योंकि जो नंबर होगा वो सारा मेल में दिया रहता है। ठीक है, जो भी डॉक्टर होता है उसका सारा नंबर दिया रहता है और एड्रेस भी दिया रहेगा क्लिनिक का, और आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लो। फिर उसके बाद जैसे अपॉइंटमेंट मिल गई आपको, फिर आपको क्या करना है कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, प्रिकॉशन जो आपको रखने हैं। सबसे पहले 6 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 6 फोटोग्राफ आप अपने पास रख लो, दूसरा एक आईडी प्रूफ रख लो। ठीक है, देखो जब हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के लिए तो उसमें आईडी प्रूफ और 6 फोटोग्राफ मांगेगा, लेकिन अगर आप सेलिंग कर रहे हो पहले से तो उसमें सीडीसी प्लस फोटोग्राफ मांगता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले 6 फोटोग्राफ हो गई आपकी, आईडी कार्ड आधार कार्ड आपका हो सकता है या आपका पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले जा देना, ये दोनों आपको ले जाना है और ये डॉक्यूमेंटेशन में। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जिस दिन आप मेडिकल के लिए जा रहे हो उस दिन आपको खाली पेट रहना है, मतलब कुछ मत खाना, न टी न कॉफी कोई बेवरेज भी, पानी के अलावा कुछ ऐसा कुछ बेवरेज मत पीना। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे कॉफी पियोगे तो कैफीन जाएगा अंदर तो ये प्रॉब्लम है, तो खाली पेट जाना, पानी पी सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक मेन चीज है वो है स्टूल सैंपल अपना ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज वहां स्टूल सैंपल वहीं करना होगा आपको, तो पहले से घर से स्टूल सैंपल आप ले जा सकते हो। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल वाला सीन रहे आपका, ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो वहां। ठीक है, तो घर से ले जाना। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, अगर आपकी सिटी में ही है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आप जब आपका जैसे ही मन है कि मुझे क्लिनिक में जाना है तो मैं सीधे जा सकते हो सुबह और शाम को आपको रिपोर्ट मिल गई। ठीक है, ये वाला सीन है। लेकिन अगर आप मेन सिटी में नहीं हो, अगर आपको कहीं ट्रेवल करना पड़ रहा है, सपोज करो यहां से दिल्ली के लिए, अगर दिल्ली में कोई मुझे सजेस्ट किया गया है क्लिनिक और मुझे दिल्ली जाना है तो एक चीज ध्यान में रखना। ठीक है, कि सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम स्टार्टिंग से ही चले जाना क्लिनिक, ऐसा मत जाना कि 12 बजे जा रहे हो 1 बजे जा रहे हो,
8 बजे के सुबह सुबह जल्दी जल्दी आप पहुंच जाओ, ठीक है, उस मेडिकल जो भी है क्लिनिक है तो वहां पहुंच जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, डिले होता है, ठीक है। टेस्ट वैसे फास्ट होते हैं लेकिन कभी भी क्या पता डॉक्टर थोड़ा अनअवेलेबल हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप दूसरी सिटी में जा रहे हो, ठीक है, फिर आपको वहां होटल करना पड़ेगा, ये वाला ड्रामा भी बहुत रहता है, ठीक है। तो क्या करो, थोड़ा सा जल्दी जाओगे तो ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्रोसेस टेस्ट वैसे ना बहुत ईजी होते हैं, बस आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अपने टेस्ट कराए शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और कभी कभी अगर बाय चांस लेट हो गया या कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो आप रात को रूम कर सकते हो, ठीक है, वहां होटल जो भी है स्टे कर लेना एक रात और फिर अगले दिन आप अपनी रिपोर्ट ले लेना, ठीक है। वैसे एक ही दिन में हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप घर से जा रहे हो तो लूज क्लोथिंग आपको रखनी चाहिए, ठीक है, मतलब लूज कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने खुद हुड पहना था, ठीक है, तो बहुत टाइम पे आपको यू नो लाइक एकदम पूरे कपड़े उतारने होते हैं लाइक ऊपर के, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि यू नो बार बार हुड निकालना मैंने तो अजीब लग रहा था, तो हुड ऐसी चीजें प्रिफर करो कि बहुत ईजी हो, जैसे कि जैकेट है, ठीक है, डेनिम जैकेट या कुछ भी जैकेट आपकी हो गई तो इनमें ज्यादा फायदा रहेगा, अदरवाइज। और लूज क्लोथिंग पहनना मतलब जस्ट टी शर्ट भी पहन रहे हो तो ज्यादा फिटिंग वाली नहीं, थोड़ा कंफर्टेबल वाली कि आप बार बार उसे उतार सको, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा ऐसे में। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन काफी ज्यादा हेल्प आपकी करेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो आपको यू नो मेडिकल सर्टिफिकेट जो लास्ट में मिलेगा, ठीक है, तो वो 2 साल तक आपका चलेगा, ठीक है, मतलब 2 साल तक वो वैलिड रहता है। और अगर आप अंडर एज हो 18 से, मतलब आप 17 के हो या 18 अभी आपने कंप्लीट नहीं किया, तो यहाँ पर आपका वो एक साल ही चलता है, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, और वो बीच में एक्सपायर हो जाता है तो आपको 3 मंथ एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उस सर्टिफिकेट के 3 मंथ एक्सटेंड हो जाते हैं कि आप कहीं बीच पोर्ट में अगर है कोई पोर्ट तो वहां रुक के फिर आप अपने मेडिकल करा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जनरल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं, अभी मैं टेस्ट के बारे में सारा बताऊंगा, ठीक है, अभी वो आगे बताऊंगा। तो जो भी मैंने आपको बताया वो सारा घर से कैरी करके ले जाना, जैसे कि आपका स्टूल सैंपल हो गया मतलब पूप, ठीक है, दूसरा आपका फोटोग्राफ्स हो गए, तीसरा आपका आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है, ये चीजें, साथ में लूज क्लॉथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेली में आपको पहले से ही कंफर्टेबल फील कराएगा, तो बस यही है। आगे अभी मैं टेस्ट के बारे में बताऊंगा तो पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। तो वैसे तो काफी टेस्ट होते हैं, 30 के आसपास टेस्ट कराने होते हैं, लेकिन जो मेन टेस्ट होते हैं उन्हीं के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब जैसे आपका ब्लड सैंपल लेते हैं वो, तो उससे ही 2-4 टेस्ट आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो लिस्ट तो रहती है 30 के आसपास की, बट यू नो टेस्ट ज्यादा नहीं, 8-9 मेन रहते हैं, उसके बाद उन्हीं से वो ही कुछ कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आई टेस्ट की, तो आई टेस्ट में बेसिकली वो क्या करते हैं, आपको डिस्टेंस विजन में एक यू नो एक कुछ नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, तो आपको यू नो एक आई ऐसे करके मतलब एक आई से देखना है कि कौन सा, बताना है आपको कि कौन सा लेटर है, ठीक है, और फिर दूसरी आई से, और ये आपका बेसिकली आई टेस्ट होता है, और इसमें वो देखेंगे डिस्टेंस विजन आपका और नियर विजन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद वो कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए सियारा टेस्ट जो होता है उसमें आपको एक बुक देंगे, और उसमें कुछ नंबर होंगे लेकिन वो कलर्ड में होते हैं, ठीक है, मतलब कलर्ड में लिखे होते हैं, और वो आप तभी देख सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंडनेस आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसको मतलब बहुत आसान होता है, ठीक है, देखेंगे और आपको बताना है कि कौन सा नंबर है, जैसे आप बता दोगे तो ये आपका आई टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में, ठीक है, दूसरा टेस्ट मान के चलो ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में वो आपका काफी खून निकाल लेते हैं, 4 cc ब्लड निकाल लेते हैं, और उससे ही काफी ज्यादा है ना आपको जो टेस्ट होते हैं वो सारे इसी से होते हैं, उसमें आपका बहुत सी चीजें चेक करनी होती है, जैसे आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपके ब्लड में यू नो कुछ जैसे हीमोग्लोबिन और ये सारी चीजें देखते हैं, तो ब्लड टेस्ट से काफी ज्यादा आपके यू नो लाइक टेस्ट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूल टेस्ट को मैंने पहले बताया, स्टूल सैंपल आप घर से ले जाओगे तो ज्यादा बहुत सही रहेगा, अगर वहां पे फिर वो स्टूल सैंपल मांगेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप यू नो क्योंकि खाली पेट भी हो तो वाला सीन हो सकता है, ठीक है, तो घर से ले जाना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा। और तो आपका स्टूल टेस्ट हो गया और आपका यूरिन टेस्ट हो गया, और वही हो जाएगा, आपको बेसिकली कंटेनर दिए जाते हैं छोटे से, और उस कंटेनर में आपको लाइक यूरिन रखना पड़ता है, नाम वाम वो खुद से लिख देते हैं, ठीक है, और आप प्लेस कर देते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑडियोमेट्री के बारे में। ऑडियोमेट्री में बेसिकली क्या होता है, देखो वो आपको एक हेडफोन देंगे, ठीक है, हेडफोन देंगे, और फिर वहां से एक मशीन रहती है, तो उस मशीन में वो कुछ आवाज करेंगे, लाइक कुछ आवाज आती है, और आपको बताना है कि राइट
एयर में हो रहा है, लेफ्ट एयर में हो रहा है, ठीक है, ये आपको बेसिकली बताना होता है, जिससे आपका पता चलता है कि आपके एयर सही से सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। साथ में वो फ्रिक्वेंसी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे वो आपकी चेक भी करते हैं कि ऊपर नीचे अगर हम फ्रिक्वेंसी करें तो ये सुनाई देता है या नहीं देता है, और यही बेसिकली आपको यू नो लाइक इसमें मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पीईटी टेस्ट के बारे में, जो होता है लंग्स फंक्शन टेस्ट। इसमें बेसिकली आपको एक पाइप देते हैं, ठीक है, और उस पाइप में आपको क्या करना है, ब्रीथ करना होता है, इनहेल करना होता है, एक्सहेल करना होता है, और वो अलग अलग थोड़ा वेरिएशन के साथ, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी लंबी, कभी छोटी, और ऐसे ही वो आपका यू नो लंग्स मतलब वहां रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो वो इससे चेक कर लेते हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो जो अगला टेस्ट है वो होता है आपका एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में क्या होता है, बेसिकली एक मशीन होती है और उस मशीन में आपको मतलब खड़ा हो रहा होता है, और चिन में एक कुछ यू नो लाइक एक पॉइंट होता है, तो वहां पे आपको अपनी चिन रखनी होती है, और बैक साइड से मतलब वो एक फ्लैश करते हैं, और जो एक्सरे मशीन होती है, ठीक है, उससे फ्लैश करेंगे, और जो भी आपके यू नो बोन्स वोन्स चेक करते हैं उसमें कि सही है, नॉर्मल फंक्शन, मतलब कहीं से खराब तो नहीं है, टूटी उटी तो नहीं है, और बेसिकली कार्डिक साइज वो सारा आपका चेक करेंगे इसमें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले टेस्ट के बारे में, वो है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में वो क्या करते हैं, जेली टाइप सब्सटेंस होता है, वो आपके अपने पेट वेट में लगाएंगे, ठीक है, वो, और उससे चेक करेंगे आपका जो लीवर हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, आपका किडनी, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, जो भी है, तो वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बेसिकली वो चेक करते हैं, ठीक है, उससे अल्ट्रासाउंडिंग मशीन होती है तो उससे दिखाई देता है सारा। तो ये हो गया आपका अल्ट्रासाउंड टेस्ट, और आपको बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इनमें बेसिकली अगर आपको कोई लाइक अगर पहले से कहीं यू नो कहीं चोट लगी हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल पर्सन तो कोई यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर हमारा अगला जो है वो है ईसीजी टेस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हार्ट रेट आपकी देखी जाती है। इसमें क्या होता है, देखो स्टिकी पैचेस कुछ होते हैं, तो उसको आपको पहले सबसे पहले वो ऊपर से यू नो आपकी टी शर्ट उतरवाएंगे, एंड देन कुछ स्टिकी पैचेस होते हैं तो वो लगाते हैं, ठीक है, स्टिकी पैचेस कनेक्टेड होते हैं वायर से और ईसीजी मशीन से वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपकी हार्ट रेट नापती है, और बेसिकली वो एक पेपर होता है, ठीक है, उस पेपर में आपका जो भी है ईसीजी, जो भी आपका हार्ट रेट जैसा चल रहा है तो वो सारा उसमें मेजर करता है, ठीक है, और यही है। फिर एक लास्ट उसी के बाद, जस्ट उसी के बाद आपका ट्रेडमिल टेस्ट होता है, टीएमटी, और जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है, आपको वो एक ट्रेडमिल होती है, और ट्रेडमिल में आपको पहले स्लो नॉर्मल वॉक कराएंगे, फिर आपको दौड़ाएंगे, और फिर वो चेक करते हैं कि आपकी लिमिट यू नो कैसा आपका मतलब ब्रीदिंग बीपीएम होता है, ब्रीथ पर मिनट, कैसे आप यू नो रिएक्ट कर रहे हो, कितनी ज्यादा आप सांस ले रहे हो, और ये वाला सारा एक मशीन होती है तो उसमें वो सारा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और यहां पर एक स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लाइक जैसे मेरा चल रहा था, ठीक है, तो टीएमटी चल रहा था, ट्रेडमिल टेस्ट, तो उन्होंने मुझे अबाउट 25 मिनट उसमें दौड़ाया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपको एक जो आपका बीपीएम है ना वो पहुंचना चाहिए 170 के आसपास, तभी वो रिकॉर्ड बंद कर दें, ऐसा कुछ है, मे बी मैं गलत हूं तो करेक्ट करना, ठीक है, लेकिन मैंने जितना पूछा था तो ऐसे ही कुछ था। तो मैं दौड़ा, काफी दौड़ाया, लेकिन उन्होंने 25 मिनट दौड़ा दिया था, मे बी मेरी सांस नहीं फूल रही थी, लेकिन 170 फिर मुझे उसके बाद जबरदस्ती तेज मतलब यू नो लाइक ट्रेडमिल से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ रहा था कि 170 क्रॉस जल्दी करे तो जल्दी से मेरा टेस्ट खत्म हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टेस्ट थे, और ये टेस्ट मैंने इसलिए आपको बताया, थोड़ा सा आपको ना पहले से ही थोड़ा पता चल जाएगा, कोई ऐसा तो ऐसे मैंने डिटेल में तो बहुत नहीं बताया, बस हल्का हल्का आपको ऊपर बेसिक का बता दिया कि आपको थोड़ा सा ना कंफर्टेबल फील रहे, और यही था मेडिकल टेस्ट का जो फुल प्रोसीजर है, और जो भी मैंने आपको प्रिकॉशन बताया वो ध्यान में जरूर रखना, बिलीव मी इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। और जो टेस्ट है उसके बारे में बताया, तो आपको थोड़ा सा पहले से पता रहेगा कि जो मेन टेस्ट है मेरे वो मुझे कराने हैं, ठीक है, और जो ये सारे टेस्ट मैंने आपको बताए हैं वो मेन टेस्ट हैं, ठीक है, तो वो कराना जरूर, क्या पता कभी कभी छूट जाता है, और वही वाला सीन है। लास्ट में जैसे ही आप ये सारे टेस्ट क्लियर कर दोगे, ठीक है, जो भी आप क्लियर मतलब जो भी पूरे कंप्लीट कर दोगे, फिर आपको क्या होता है, वो बोलेंगे कि शाम को रिपोर्ट लेना, ठीक है। अब जो मेरा क्लिनिक जहां मैं गया था, ठीक है, तो वहां तो शाम को ही मिल गया था, बेसिकली बहुत फास्ट था और सारा प्रोसेस कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगर आपका क्लिनिक में अगर ज्यादा ही भीड़ है तो मे भी थोड़ा सा लेट हो सके, कभी कभी डॉक्टर क्या पता डिले करे तो यू नो ये प्रॉब्लम हो सकती है, अनअवेलेबल हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जल्दी जाना, सुबह 8 बजे चले जाना, जैसे ही खुलता है वैसे ही, क्योंकि आपका नंबर भी जल्दी लग जाएगा और
आपके टेस्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। और शाम तक आपको क्या करना है, रिपोर्ट लेने, बस वहां फिर से जाना है और रिपोर्ट लोगे और फिर उसको क्या कर देना, स्कैन कर देना, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी आपको इंस्टीट्यूट को भेजनी है और हार्ड कॉपी जब आपको बाद में भेजनी होती है तो उसके वही हार्ड कॉपी जो आपको रिपोर्ट मिलेगी सारी आपकी वो कुरियर कर देनी है। तो यही था पूरा प्रोसीजर जो भी आपको करना है, ठीक है, मेडिकल के बाद जो भी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट थी और वीडियो से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यू नो लाइक एक्सपीरियंस का भी था, मैंने कुछ अपने तरफ से भी आपको वो चीजें बताई और साथ में कुछ जो बेसिक चीजें होती है वो भी मैंने आपको बताई, तो अच्छी लगी होंगी मे बी। तो लाइक जरूर करना, कमेंट, अगर आपके कुछ नए आइडियाज हैं, कुछ नए टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि अब बहुत पास हैं 2.8 के, तो जल्दी से जल्दी करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।